अगर आप भोजपुरी की ताजा खबरों को देखना चाहते हो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाएगी। जान लीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव के बाद एक नए गाने रिलीज होते रहते हैं और दर्शक अभिनेता खेसारी लाल यादव के बाद एक नए गाने का इंतजार भी करते हैं। और फिलहाल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जी म्यूजिक भोजपुरी एक के बाद एक नए गाने खेसारी लाल यादव को लेकर बना रहा है। और इस बीच सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और प्रियंका सिंह ने एक बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है, जिसे जी म्यूजिक भोजपुरी चैनल पर रिलीज कर दिया गया है। उस गाने का नाम है लव कला सब हुई, जिसमें खेसारी लाल यादव के सहित प्रियंका सिंह की आवाज हमें देखने को मिलेगी। इसका वीडियो भी जल्द बनाया जाएगा, जिस वीडियो में हमें सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के साथ काजल राघवानी नजर आने वाली हैं। आपको बताते चले, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का ये गाना आजाद सिंह प्यारेलाल यादव जी ने लिखा है, जो काफी अल्टीमेट और खूबसूरत है। इसका म्यूजिक कम्पोज किया आशीष वर्मा ने और भोजपुरी इंडस्ट्री का खूबसूरत गाना है, जिसे दर्शक काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग जाइए, इस गाने को सुनिए, बहुत ही जबरदस्त गाना है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अल्टीमेट डीजे सॉन्ग है, जो हमें काफी ज्यादा खूबसूरत सुनने में लग रहा है। आप लोग जाइए सुनिए और हमें अपना सुझाव जरूर दें कमेंट सेक्शन के जरिए। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह की एक फिल्म के बारे में हमने आपको कई बार बताया है। फिल्म का नाम है मैंने उनको सजन चुन लिया, जिस फिल्म में सुपरस्टार अभिनेता पवन सिंह के साथ काजल राघवानी धूम मचाने वाली थी। इस फिल्म के डायरेक्टर है देवेंद्र तिवारी, वहीं इस फिल्म के प्रोड्यूसर है अजय चौधरी। आप लोगों को बताते चले, भोजपुरी इंडस्ट्री की काफी बड़ी फिल्म है मैंने उनको सजन चुन लिया। दोस्तों, ये फिल्म एक लव स्टोरी और एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें काजल राघवानी अभिनेता पवन सिंह के साथ धूम मचाती नजर आने वाली हैं। आप लोगों को बता दें, इस फिल्म का एक फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जी हां, एक फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे पवन सिंह के फैन धड़ाधड़ सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। आप लोगों को बता दें, मैंने उनको सजन चुन लिया, इस फिल्म में काजल राघवानी होने वाली है और इस पोस्टर में हम साफ साफ देख सकते हैं काजल राघवानी किस तरीके से अभिनेता पवन सिंह के अबोझ धूम मचाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अभिनेता पवन सिंह के दर्द भरे गाने सुनते हैं, इसी तरीके से फिल्म हमें ये देखने को मिलेगी। इस फिल्म की कहानी का खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन फर्स्ट लुक जो है काफी अल्टीमेट लग रहा है। पवन सिंह का लुक जबरदस्त है, काजल राघवानी की अदाकारी इसमें जबरदस्त तरीके से हमें देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, आप लोगों को अभिनेता पवन सिंह की फिल्म मैंने उनको सजन चुन लिया का फर्स्ट लुक कैसा लगा? भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपर हिट अदाकार अक्षरा सिंह एक के बाद एक नया गाना अपने फैंस के सामने पेश करती रहती हैं। हाल ही में हमने अक्षरा सिंह का बोलबम गाना सुना, जो हमें बहुत खूबसूरत बहुत बेहतरीन लगा। उन गानों की अपार सफलता के बाद अक्षरा सिंह ने एक और नया जबरदस्त गाना अपने फैंस के सामने रखने की कोशिश की और उस गाने को मनोज मदलवी द्वारा लिखा गया, उस गाने का म्यूजिक कम्पोज किया घुंगरू जी ने, उस गाने का टाइटल रखा गया आंखियों से गोली मारे और फाइनली अक्षरा सिंह ने इस गाने को गाकर आज भी म्यूजिक चैनल पर रिलीज करवा दिया है। जी हाँ, ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, जिसका टाइटल रखा गया है आंखियों से गोली मारब। इससे पहले हम ये गाना बॉलीवुड में सुन चुके हैं, जिसमें गोविंदा धूम मचाते नजर आते हैं। ये गाना बहुत ही सुपर्ब है और अभी भी लोग इस गाने को सुनना देखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, जाइए वेब म्यूजिक चैनल पर, इस गाने को सुनिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की मच अवेटेड फिल्म नागदेव, जिसका डायरेक्शन डेव पांडे ने किया है, इस फिल्म के बैक टू बैक कई पोस्टर रिलीज हुए, जो काफी खूबसूरत काफी बेहतरीन लग रहे हैं। हाल ही में इसकी शूटिंग कंप्लीट की गई और उसके दो पोस्टर रिलीज हुए, जो बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही जबरदस्त थे और दोनों ही पोस्टर सोशल मीडिया पर बड़ी मात्रा में धूम मचाते नजर आए। हम आपको बताने जा रहे हैं फिल्म नागदेव की पांच खासियत। सबसे पहली खासियत यह है कि सुपरस्टार खेसारी लाल यादव इस फिल्म में एक नाग की भूमिका
निभा रहे हैं और सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की नागिन फिल्म के बाद ये दूसरी उनकी फिल्म होने वाली है जिसमें खेसारी लाल यादव नाग का किरदार निभाते नजर आएंगे। इस रोल का खेसारी लाल यादव के फैंस बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उम्मीद लगाई जा रही कि ये रोल खेसारी लाल यादव के फैंस को सिनेमाघरों में खींचेगा। दूसरा बड़ा कारण ये है कि इस फिल्म में अवधेश मिश्रा है। जी हाँ, अवधेश मिश्रा जिस फिल्म में होते हैं वो खेसारी लाल यादव की फिल्म जरूर ही सुपर डुपर हिट होती है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अवधेश मिश्रा और खेसारी की जोड़ी बहुत पॉपुलर जोड़ी है और दर्शक इस जोड़ी को काफी ज्यादा पसंद करते हैं हीरो और विलन में। तीसरे खासियत की बात की जाए तो फिल्म का VFX काफी बेहतरीन, काफी अल्टीमेट है जिस पर काफी हाईफाई कॉस्ट खर्चा किया गया है। जी हाँ, VFX पे बहुत ज्यादा खर्चा किया गया है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस फिल्म का VFX डिजाइन किया गया है। चौथे बड़े कारण की बात की जाए तो इसमें खेसारी लाल यादव का जबरदस्त प्यार मोहब्बत और एक्शन हमें देखने को मिलने वाला जो हमें सिनेमाघरों में बांध कर रखेगा। पांचवा सबसे बड़ा कारण ये है कि खेसारी लाल यादव की जिंदगी की 5 बड़ी फिल्मों में से ये फिल्म एक है जिसका बजट बहुत हाईफाई है। उनमें से दबंग सरकार भी है जिसका बजट सामने आया था 2,35,00,000। इस फिल्म का बजट भी तकरीबन 2 करोड़ रुपए तक है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर है नीलाभ तिवारी और एक काफी अल्टीमेट और खूबसूरत फिल्म है। अब देखते हैं इस फिल्म का ट्रेलर आखिर कब रिलीज होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार अभिनेता खेसारी लाल यादव। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की 2018 से लेकर 19 तक बहुत बड़ी फिल्म की लिस्ट है। लगभग 15 से 20 फिल्में खेसारी लाल यादव के पास पेंडिंग है जिसमें से बहुत सी लो बजट की फिल्में हैं, बहुत सी हाई बजट की फिल्में हैं। लेकिन हम आपको अभिनेता पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की 2 बड़ी फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म दबंग सरकार। अगर दबंग सरकार की हम बात करें तो इस फिल्म में जबरदस्त तरीके का एक्शन हमें देखने को मिलेगा और जिस तरह हम साउथ फिल्मों में एक्शन देखते हैं उसी तरीके से एक्शन हमें देखने को मिलने वाला है। आप लोगों को बताते चलिए, दबंग सरकार का बजट सामने आ चुका है, 2,35,00,000 इस फिल्म का बजट है। ये जानकारी विकिपीडिया पर दी गई है। इस फिल्म के डायरेक्टर है योगेश राजमिश्रा जिन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से डायरेक्शन किया है और टेक्निकली इस फिल्म को काफी बेहतर बनाने की कोशिश की है। आप लोगों को बताते चले, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की इस फिल्म में जबरदस्त तरीके से एक्शन दिखाया जाने वाला है। और अब दूसरी बड़ी फिल्म का नाम है सत्या रिटर्न। जी हाँ, सत्या रिटर्न की बात की जाए तो बताया जाता है इस फिल्म का बजट तकरीबन 3 करोड़ रुपए होने वाला है। जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री की ये भी काफी महंगी फिल्म है जिसका बजट तकरीबन 3 करोड़ रुपए होने वाला है। और बताया गया इस फिल्म की शूटिंग तकरीबन अबू धाबी में कंप्लीट की जाएगी जहां पर सलमान खान की बहुत सी फिल्मों की शूटिंग हुई है। चाहे फिल्म टाइगर जिंदा हो चाहे रेसरी, बहुत सी फिल्मों की शूटिंग अबू धाबी में कंप्लीट की गई है। और अभिनेता पवन सिंह की ये फिल्म भी काफी बड़ी और बिग बजट फिल्म होने वाली है। सत्या रिटर्न की बात करें तो इस फिल्म में हीरोइन कौन होगा इस बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन 3-4 हीरोइन का नाम सामने आ रहा है। अक्षरा सिंह, मधु शर्मा, अमरपाली दुबे। सत्या रिटर्न में कौन सी हीरोइन होगी इस बात का खुलासा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन 3 हीरोइन का नाम सामने आ रहा है जिसमें से शायद कास्ट किया जा सकता है तीनों में से किसी एक को। सबसे पहला है अमरपाली दुबे, दूसरा है मधु शर्मा और तीसरी है आकांक्षा अवस्थी। जी हाँ, तीनों में से एक हीरोइन नजर आ सकती है फिल्म सत्या रिटर्न में। आप किसे देखना चाहते हो हमें अपना सुझाव जरूर दें।